नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं शेफ आसिफ सोहरावर्दी। आज हम चाउमीन बनाएंगे। आज की रेसिपी थोड़ी अलग इस तरीके से होगी कि इसकी रेसिपी और इसको बनाने का तरीका मर्ज कर यानी एक साथ बयान किया जाएगा। चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पगेटीज को बॉईल कर लेंगे। स्पगेटीज को बॉईल करने के लिए हमने एक पतीले के अंदर 4 से 5 कप पानी लेना है। उसके अंदर हमने 1.5 टेबलस्पून तेल शामिल करना है, 1.5 टेबलस्पून हमने इसमें नमक शामिल करना है और इसमें हमने 300 ग्राम स्पगेटीज को शामिल कर देना है ताकि वो उसको हम बॉईल कर सकें। वक्फे वक्फे से हम हिलाते रहेंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। जब आपने देखा कि वो बॉईल हो गई है तो फिर आपने उसको निथार लेना है छन्नी में और उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि वो ओवर कुक ना हो। इस पे हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है ताकि वो आपस में मिक्स ना हो और ऑयल को अच्छे से इस पे मिक्स कर देना है ताकि वो चिपके ना। उसके बाद अब हमने चिकन के ऊपर काम करना है। चिकन के लिए हमने 1 बोल के अंदर सोया सॉस लेना है 1 टेबलस्पून, सिरका लेना है 1/2 खाने का चम्मच, सफेद पिसी हुई मिर्च लेनी है 1 खाने का चम्मच, नमक लेना है 1/4 चाय का चम्मच या हस्बे जायका। फिर इसमें हम डालेंगे गार्लिक पाउडर 1 खाने का चम्मच और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 300 ग्राम चिकन स्ट्रिप्स में कटी हुई शामिल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1/4 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इसको छोड़ देंगे। फिर एक पैन के अंदर हमने 2 खाने के चम्मच तेल डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है चिकन को। 4 से 5 मिनट के अंदर चिकन थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो आपने उसको एक अलग बोल के अंदर निकाल कर रखेंगे। फिर एक कटोरे के अंदर आपने लेना है सोया सॉस 2 खाने का चम्मच, चिली सॉस 3 खाने का चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चम्मच, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच, ऑयल 1 टेबलस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून, सॉल्ट यानी नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच। इन सब मिक्सचर को मिला के आपने एक जगह पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और एक बोल में रख देना है। इसे हम चाउमीन सॉस कहेंगे। फिर आपने एक पतीले के अंदर या एक फ्राइंग पैन के अंदर गाजर की जूलियंस 1 कप, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च की जूलियन 1 कप, बंद गोभी के जूलियन 1.5 कप मिला के अच्छी तरीके से सौते करना है यानी चमचा चलाना है। जब आपको लगे कि जो है आपकी वेजिटेबल्स यानी आपकी सब्जियां फ्राई हो गई हैं, आप उसे निकाल कर एक प्लेट में रखकर साइड पे रख दें। फिर दोबारा उसी पैन के अंदर हमने 2 से 3 खाने के चम्मच तेल लेना है। लहसुन के स्लाइसेस हमने 8 से 10 अदद उसके अंदर फ्राई करने हैं। हरी प्याज के ऊपर की जो प्याज होती है वो 2 खाने के चम्मच हमने प्याज डालना है, उसको फ्राई करना है। फिर हमने उसके अंदर बॉईल हुई हुई हमारी स्पेगेटी को शामिल करके अच्छे से उसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करते हुए हमें देखना है कि हम बहुत प्रॉपरली इसको फ्राई कर रहे हो, ये स्पेगेटी आपस में मिक्स ना हो जाए। फिर आपने फ्राई की हुई चिकन को उसमें शामिल करना है और आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद जो हमने चाउमीन का सॉस बना के एक साइड पे रखा हुआ था उसको हमने उस पर डालना है और उसको अच्छे से हमने उसको फ्राई करना है। फिर आखिर के अंदर जो हमने तली हुई सब्जियों को एक साइड पे एक प्लेट पे निकाला था उसको हमने निकाल कर अच्छे से टॉस करना है, उसको सॉटे करना है। सॉटे करने के बाद उसके ऊपर हरी प्याज से गार्निश कर एक प्लेटर के अंदर निकालेंगे और गर्म गर्म सर्व करेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
ये मालूमती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।